नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रोहतक के चिड़ी गांव में युवक ने सुसाइड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिवार वालों ने हरियाणवी डांसर सुनीता बेबी पर इस पूरे मामले में प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। परिजनों का कहना है कि हरियाणवी डांसर सुनीता बेबी और उसकी साथियों की प्रताड़ना के चलते युवक ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने हरियाणवी डांसर सुनीता बेबी पर युवक के अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया। हरियाणवी डांसर सुनीता बेबी के खिलाफ लाखन माजरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चिड़ी गांव से एक लड़का है जिसका नाम शिव कुमार पुत्र करतार सिंह। तो शिव कुमार कल हमारे पास शाम को रुक का आया था पीजीआई से कि किसी ने जहर खा लिया है। तो जहर खाने से जब मैं मौके पे पहुँचे वहाँ पीजीआई के अंदर, तो उसके परिजन थे, रात के 7-8 बज चुके थे। उस टाइम उन्होंने बयान देना मना कर दिया और सुबह उनकी दिमाग की हालत ठीक ना होनी, उसकी माँ थी और उसकी घरवाली और उसके चाचा का लड़का। मृतक के पिताजी पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, उसका एक भाई था वो भी पहले एक्सपायर हो चुका है। तो उन्होंने एक बयान दिया कि हमारे लड़के को सुनीता बेबी को भिवानी से स्टेज डांसर है, दो लड़कियां और हैं रूबी और एक निर्मला, इन्होंने कोई झूठा मुकदमा उसके खिलाफ आईटी एक्ट का भिवानी महिला थाने के अंदर दर्ज करवाया हुआ है, जिससे ये लड़का परेशान रहता था, अपनी सामाजिक बदनामी माने हुए था। पिछले 1.5 महीने से ही उसको परेशान कर रही थी और उसकी वजह से, परेशानी की वजह से, अपनी सामाजिक बदनामी की वजह से इसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा करवाए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन परीक्षाएं लिए जाने से क्षुब्ध चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मातहत आने वाले कॉलेजों के विद्यार्थियों ने आज जमकर बवाल काटा। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को न केवल ताला बंद कर रोष जताया गया बल्कि साथ ही साथ अल्टीमेटम भी दिया गया कि अगर परीक्षाएं ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन नहीं ली गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। विद्यार्थी बहुतायत में आज कॉलेज के, यूं कहिएगा कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए, तालाबंदी की गई और साथ ही साथ रोष जताया गया। विद्यार्थियों का कहना था कि जब प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ ऑनलाइन ली जा सकती हैं तो अब क्योंकि तीसरी वेव की आहट साफ तौर पर महसूस की जा रही है, ऐसे में ये परीक्षाएँ ऑफलाइन क्यों ली जा रही हैं। विद्यार्थियों का कहना था कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली जानी चाहिए, साथ ही साथ जिस तरह से जो रीअपियर का रिजल्ट था उसमें कुछ त्रुटियां बताई गई थी उनको भी दुरुस्त किया जाए, फार्मों की तिथि बढ़ाई जाए, बस पास भी रिन्यू किए जाने चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर इन विद्यार्थियों के द्वारा ना केवल विश्वविद्यालय के उप कुलपति को ज्ञापन पत्र दिया गया बल्कि साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया गया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जब 2 साल तक कोरोना काल के दौरान परीक्षाएं ऑनलाइन ली गई हैं तो अब जिस तरह से ऑफलाइन परीक्षाएं ली जा रही हैं, क्या उनका शेड्यूल चेंज किया जाएगा, बदला जाएगा अथवा यही शेड्यूल रहता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं काफ़ी क्षुब्ध दिखाई दिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। झज्जर के डीगल गांव में गांव वालों पर झूठा केस दर्ज करने पर पुलिस के खिलाफ पंचायत का आयोजन किया गया जिसमें हजारों गांव वालों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने पंचायत से पहले झज्जर एएसपी विक्रांत भूषण को भी फोन करके पंचायत के बारे में अवगत करवाया था लेकिन वो पंचायत में नहीं पहुंचे। पंचायत में गांव वालों ने बताया कि एक केस में सुमित और अमित जैन दो बच्चों को पुलिस टारगेट बना रही है, साथ ही पीड़ितों से पुलिस अवैध वसूली भी कर रही है जबकि हत्या के केस में पीड़ित पक्ष ने इनके खिलाफ FIR के नाम नहीं लिखवाए और पंचायत में भी इन लोगों का हाथ नहीं बताया। गौरतलब है कि डीघल गांव में कुछ दिन पहले कुलबीर नाम के एक युवक पर अपने पड़ोस में ही रहने वाले पर हत्या करने के आरोप लगे थे और मुख्य आरोपी कुलबीर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित पक्ष ने भी पुलिस पर FIR में कुलबीर को ही दोषी ठहरवाया था। आज डीघल गांव में पंचायत करी गई पुरानी गौशाला में, ये पूरा काम और 36 बरादरी के आदमी यहाँ आए हुए थे और जिनके आदमी मर रहे उनको भी बुलाया गया और जिन बच्चों को मारा है उनको भी बुलाया गया। वो दोनों परिवार ये कह रहे हैं कि इनका कोई दोष नहीं है, न सुमित है इसमें मारने में और न अमित है।
जी, सबसे पहले आपका, मीडिया के मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे एक बुलावे पर आप यहाँ पहुँचे हो। ये पंचायत जो है ना, गांव में एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई थी, उसके लिए जो है ना आपको बुलाया है कि इसमें ना मुझे मेरे परिवार को नाजायज़ जो तंग किया जा रहा है, और मेरे को भी उठा कर थर्ड डिग्री टॉर्चर मेरे को जो किया, मेरे से बार बार पैसे की डिमांड करी गई, बहुत बुरा बर्ताव मेरे साथ किया, वो मैं अपने गांव के समक्ष वो बातें रखना चाहता था। और जो इस घटना में जो सब यहाँ बैठे हैं, हमारा यहाँ इसमें ना मेरा या मेरे जो भाई है उसका जो बेवजह से नाम घसीटा जा रहा है, हमारा इसमें कोई। यमुनानगर के वार्ड नंबर 21 और 22 की कई कॉलोनियों में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। इलाके में भारी संख्या में लोग डायरिया से ग्रसित भी हैं, तो वहीं अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यमुनानगर के वार्ड नंबर 21 व 22 की कई कॉलोनियों में डायरिया फैल गया है, और डायरिया भी पब्लिक हेल्थ के गंदे पानी पीने से लोगों के बीमार होने से फैला है। यमुनानगर में विभिन्न अस्पतालों में जो लोग दाखिल हैं, इनमें कुछ की कैजुअलिटी हुई है, लगभग 3 के करीब जो है मौत भी हो चुकी है। यमुनानगर की मायापुरी में लाजो देवी 55 साल, राजपाल 60 साल, एक 1.5 साल के बच्चे की डायरिया से मौत हुई है। कांसेपुर के शिवानंद प्रवीण पब्लिक स्कूल के पास शर्मा चक्की के आसपास, मायापुरी शनि मंदिर के आसपास का एरिया और जीव गांधी गार्डन एरिया के भारी संख्या में लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे। बताया जाता है कि पिछले 1 सप्ताह से इन इलाकों में पानी की लीकेज है, जिसके लिए लोग बार बार अधिकारियों को शिकायत दे रहे हैं, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते जो गंदा पानी है लोगों के घर में भी घुस चुका है। इसके बारे में उपायुक्त गिरीश अरोड़ा से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास शिकायत आ गई है। उनका ये कहना है कि लोगों ने जो है नाजायज तरीके से एक कनेक्शन लिया है, और कहाँ लीकेज है, कहाँ जरूरत है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और जहाँ भी जिसको जरूरत पड़ते जो भी मदद है उसके लिए जिला प्रशासन तैयार है। यमुनानगर से देवीदास सारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। सोहना के ऐतिहासिक शिवकुंड में स्नान करने के लिए आए माँ बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। शिवकुंड नहाने आए माँ बेटे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बेटा अपनी माँ को कुंड हिलाने के बाद वापस अपने घर जा रहा था। जब वह बाइक लेकर घाटी मोड़ से नीचे उतर रहा था, इसी दौरान एक तेज गति से आ रहे डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों ही के शव को सोहना के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया। वहीं डंपर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों ही मृतक फरीदाबाद के चाचा चौक के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है मृतक युवक ने अभी 12वीं कक्षा पास की थी, वह नौकरी की तलाश कर रहा था। सोहना से इंडिया न्यूज के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। खालिस्तान समर्थकों की सीएम मनोहर लाल को 15 अगस्त पर तिरंगा न फहराए जाने की धमकी पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत में तिरंगा फहराने से कोई रोक नहीं सकता। तिरंगा फहराने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया और बहुत बलिदान भी दिए। अगर कोई तिरंगे के खिलाफ बात भी करेगा तो 130 करोड़ देशवासी एकजुट खड़े हैं। देखिए, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि हिंदुस्तान की धरती पर तिरंगा फहराने से कोई रोक सके। ये तिरंगा फहराने के लिए हमने कई वर्ष संघर्ष किया है, कई बलिदान दिए, अनेकों जिंदगियां अंडमान निकोबार की काल कोठड़ियों में गर्क हो गई हैं, और आज अगर कोई तिरंगे के खिलाफ भी बात करता है तो 139 करोड़ देश का देश है, ये खड़ा हो गया ना तो सबकी होश ठिकाने आ गई। रवि दहिया ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान को जो धूल चटा दी। रवि दहिया की जीत के बाद उनके परिवार और गांव में जश्न का माहौल है।
तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों से ही समझ सकते हैं कि गांव और परिवार में माहौल कितना ज्यादा जश्न से परिपूर्ण है। परिवार वालों का सीना गर्व से फूल गया है, तो वहीं जो गांव वाले हैं वो भी उनकी खुशी में पूरी तरीके से खुश होते हुए नजर आए। सभी ने एक साथ मिलकर उनके इस पूरे खेल को देखा, इस मैच को देखा और जैसे ही उन्होंने जीत हासिल की वैसे ही खुशी में पूरा गाँव झूम उठा। पूरी उम्मीद है हमारे पूरे देश को, पूरे गाँव को, पूरे परिवार को बहुत उम्मीद है जी। वी वांट गॉड। जी जी दादा जी, कैसा बहुत ही उम्मीद है और हमने भी पूरी उम्मीद थी कि सेमीफाइनल को जरूर जीतेगा। उससे पहले भी तीन बार बाउट जीत चुका है और अब कल पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल ही जीते देश के लिए। हमने पूरी उम्मीद थी उस हिसाब से पूरा परफॉर्मेंस दिया, एक बार तो पीछे होगा था लेकिन अब पूरी उम्मीद होगी कि गोल्ड मेडल लीजिएगा। अब पूरी उम्मीद होगी कि गोल्ड मेडल ही जीतेगा। एक बार तो थोड़ी दाव लग गया था उसका लेकिन उन्होंने पूरा डिफेंस किया अच्छी तरह और अब पूरी उम्मीद है पूरे गांव को ही पूरा जोश बन गया हमारे अंदर कि कल गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा, गोल्ड जीतेगा। भारत माता की। गांव में दिवाली, गांव के अंदर हमारे गाँव नारी में दिवाली की तरह उत्साह है, दिवाली की तरह उत्साह है हर एक गाँव के, गांव के वासी। होली और दिवाली हमारे लिए आदि हो गई है और गोल्ड मेडल हमारा रवि दहिया लेके आएगा और देश का, प्रदेश का, गांव का नाम रोशन करेगा। गांव का बच्चा बच्चा रवि दहिया की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है और हमारे गांव में आज नारी में दिवाली जैसा माहौल है, हमारे गांव की आज दिवाली है। धन्यवाद। भारत माता की। और अब खबर चरखी दादरी से, जहां पर वैक्सीन ड्राइव तेजी से आगे बढ़ रही है। जिले के 37 गांव 100% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। कोरोना की पहली व दूसरी वेव को आम विकास पूरी तरह से देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। ऐसे में तीसरी वेव की आठ से पहले ही केंद्र व प्रदेश की सरकारें लगातार इस बात को लेकर कृत संकल्प हैं कि किस तरह से लोगों को कोरोना की विभीषिकता से बचाया जाए और महज वैक्सीनेशन एकमात्र विकल्प उभर कर सामने आया था। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के मकसद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान किया गया था कि तमाम लोग वैक्सीनेशन करवाएं और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं तमाम राज्यों के लोग भी आगे आए थे। और ख़ासतौर पर अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, चरखी दादरी ज़िले की बात करें, जहां पर 3,30,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाना था, तो आज तक 80% लोग इस ज़िले के वैक्सीनेट हो चुके हैं। अगर गाँव वाइज मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं इस सिलसिलेवार तरीके से बात करूं, 37 गांव ऐसे हैं जो 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं। बलकरा PHC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मातहत आने वाले दर्जन भर गांव पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। अगर डॉक्टर सुदर्शन पवार जो कि चरखी दादरी के सिविल सर्जन हैं उनकी बात करें तो उनका कहना है कि जल्द ही इस टारगेट को पूरा किया जाएगा। हालाँकि IEC एक्टिविटी चलाई जा रही हैं, दूसरी तमाम गतिविधियाँ भी चलाई जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हो सके। और बहरहाल जिस तरह की स्थिति है, 272 गांव चरखी दादरी के मातहत आते हैं, 3,30,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, 80% आबादी पूरी तरह से जो है अब वैक्सीनेट हो चुकी है। 100% वैक्सीनेशन किए जाने के लिए तमाम गतिविधियां लगातार जारी हैं, कैंप्स लगाए जा रहे हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि इन कैंप्स में आकर ना केवल वैक्सीनेशन करवाएँ बल्कि दूसरों को भी जागृत करें। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा में डायल 112 इमरजेंसी नंबर के शुरू होने के 500 घंटे हो चुके हैं और इस दौरान स्टेट कंट्रोल रूम में पूरे हरियाणा से 217,000 से भी ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक इन लोगों को कॉल करने के 20 मिनट में मदद भी पहुंचाई गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक आई लाखों कॉल्स में से सिर्फ 31,717 कॉल उन लोगों की थी। कंट्रोल रूम में कॉल आने के बाद 25,826 जगहों पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। डायल 112 को शुरू किया गया था ताकि हरियाणा में क्विक रिस्पॉन्स सर्विस दी जा सके, जिसमें पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की सुविधाएं आम लोगों तक पहुंच सके। ये वो सेक्टर 3 का ऑफिस है जहां से पूरा हरियाणा के अंदर इस सिस्टम को चलाया जा रहा है, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर गाड़ियाँ मुहैया कराई गई हैं। हर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गाड़ियाँ दी गई हैं जो करीब 10 से 20 मिनट के अंदर उस दूरी पर पहुँचेंगी जहाँ उन्हें तय करना है।
इस बारे में आज हरियाणा पुलिस की ओर से डाटा रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 500 घंटों के दौरान 217,754 कॉल बरामद हुई है या कॉल ऑफिस में आई हैं। इन कॉल के जरिए लोगों से बात की गई है, उनकी जो परेशानी है उस परेशानी को दूर किया गया है। बड़ी बात यह है कि हरियाणा के CM और गृह मंत्री अनिल विज की ओर से इस सिस्टम को शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वाकांक्षी इस परियोजना के बारे में सरकार की ओर से ये दावा किया गया था कि लोगों को जो भी कोई इमरजेंसी सुविधा चाहिए या कोई परेशानी हो तो 10 मिनट के अंदर लोगों को वो सुविधा मिल पाएगी। सरकार की ओर से जारी किए गए डाटे में कहा गया है कि 31,717 कॉल उन लोगों की थी जिन्हें असल तौर पर मदद दी गई है। वहीं कुछ ऐसी कॉल भी थी जो आपातकालीन सुविधा से रिलेटेड थी, जिसमें 25,826 कॉल वाहनों से रिलेटेड थी, जिसमें लोगों ने बताया कि उन्हें वाहनों से रिलेटेड परेशानी आ रही है, उन्होंने जो वाहन बुक करवाए थे उनमें दिक्कत आ रही है। ऐसे में सिस्टम आम पब्लिक का जो सिरदर्द है उसे सुलझाने में बेहद अहम भूमिका निभाता हुआ सामने आ रहा है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। पलवल में हथिन के हुंचपुरी गांव में अनोखी लव मैरिज देखने को मिली। 67 साल के बुजुर्ग ने 19 साल की लड़की से शादी की और इतना ही नहीं, दोनों पति पत्नी हाईकोर्ट पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। 67 साल के बुजुर्ग की पहली पत्नी की मौत 4 साल पहले हुई थी और उसके साथ बच्चे भी हैं। लव मैरिज करने वाली लड़की भी पहले से शादीशुदा है और उसकी कोई औलाद नहीं है। दोनों पति पत्नी ने कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि लड़की के परिवार वालों से जान का खतरा है और इस मामले में हाईकोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पलवल के SV को टीम का गठन करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने टीम में महिला पुलिसकर्मी शामिल करने का जिक्र किया। कोर्ट ने SP को पति पत्नी की सुरक्षा करने और शादी किन हालातों में हुई इसका पता लगाने का भी आदेश दिया। DSP ने बताया कि लड़की के परिवार वालों का जमीनी विवाद चल रहा था और इस मामले को लेकर 67 साल के बुजुर्ग का लड़की के घर आना जाना था। इस दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और प्यार हुआ। पूरी गांव में एक व्यक्ति है ईसा करके, उसने शादी की है, बीबीपुर गांव की लड़की है, मुँह में पड़ता है बीबीपुर गांव। लड़की की एज जो है लगभग 19 साल है और जो व्यक्ति है उसकी एज है लगभग 67 ईयर। तो इन्होंने हाईकोर्ट में सुरक्षा लगाई है कि हमें जो है इसके चाचे ताऊ से लड़की के उनसे जो है खतरा बना हुआ। तो इससे माननीय हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त हुए हैं भाई इनकी जो शादी की जाँच की जाए, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। वो किस परिस्थितियों में शादी हुई है क्योंकि ये इसका काफ़ी डिफरेंस है, वो जांच करके और जो है हाईकोर्ट में इसका जवाब मिलता है। मानसून की इस बारिश से कहीं एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली तो मंडी डबवाली में बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरसी। जहां पर बारिश के पानी से जलभराव से कपास की 70 एकड़ फसल बर्बाद हुई। खेतों में कई कई फीट पानी जमा होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद अब किसानों ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। नुकसान तो हमारे जी 90% नुकसान हो चुका है जी, और 10% रहा, 10% कल एक आधे दिन में हो जाएगा जी। मेरे तो यही मांग है जी, अधिकारी आके और यहाँ ये फसल देखे और सख्त से गिरदावरी करके और इसका मुआवजा दे जाए जी। मांग तो ये प्रशासन देखे आके मुआवजा मिले जी। वजह तो बरसात की है, बरसात की है, बरसात का पानी दो दो ढाई ढाई फुट आगे खड़ गयो, अज भी फुट फुट डेढ़ फुट पानी खड़ी है। पानी गर्म होया जी, जहाँ गर्म हो जाएगा जी, तावड़ा लगे मियाँ बूटा जाएगा, बचा को नहीं है टोटल ना मुझे। देखिए सिरसा जिले में 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, तो कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। जैसे लंबी की भी हमने सुनी है, तो हमने अपने फील्ड स्टाफ को आदेश दे दिए हैं कि पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी जल भराव है उसका सर्वे कर लें और रिपोर्ट सबमिट करवा दें, वो जल्दी ये सर्वे कर। यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना के किनारे बसे घरों पर आफत आ गई है। सैकड़ों एकड़ फसलें नष्ट हो गई हैं। 28 जिलों को हाथीनी कुंड बैराज से 1,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। बसंतपुर कॉलोनी के लोग काफी चिंता में हैं और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। हम मरे या जिए अधिकारियों को कोई मतलब नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।